वहाँ पर है मंदिर। अभी कुछ कदम ही चले हैं और जिया यहाँ से शुरू हो गया है। मम्मी पापा सब याद आने लगे इसको। नमस्कार जी, स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में। कि जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम भागलपुर आए हुए हैं, जिया की कुछ कॉलेज का काम था और जब भागलपुर आए तो वहाँ पर अपने साली जी के यहाँ भी आ गए। फिर वहाँ से हमें मालूम चला कि कुछ दूर पर ही मंदार पर्वत है जो कि काफ़ी एक ऐतिहासिक जगह है। तो हम सोचे कि चलिए वहाँ भी चल लेते हैं। 2 घंटे का रास्ता था तो हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं और जब जा रहे थे तो सोचा कि कुछ पेट पूजा के लिए कुछ सामान भी पहले से ले लेते हैं। तो जिया यहाँ पर देखिए कुरकुरे चिप्स टाइप का जो भी स्नैक्स होता है वो खरीद रही है। और स्नैक्स खरीदते खरीदते हमें मालूम चला कि हम अपना पानी का बोतल जो है अपने रूम पर ही छोड़ा है। पानी भूल गए थे, फिर से वापस आए हैं पानी लेने के लिए। और यह पानी ले आई जी, मैं ये मिल्टन का थर्मस तो हमेशा अपने साथ लेकर के चलता हूँ। मुझे गर्म पानी पीने की आदत है और जब भी मैं रास्ते में अलग अलग जगह अलग अलग तरह के पानी पीता हूँ तो गला बैठ जाता है। फिर उसके बाद कभी कभी सर्दी जुकाम भी लग जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा थर्मस में पानी लेकर के चलता हूँ। जी जब हम मंदार पर्वत जा रहे थे तो हम तो पूरी तैयारी से गए थे कि अच्छा खासा ठंड लगेगा, तो इसलिए हम जो है पूरा पैक होकर के गए थे। और जब रास्ते में चलने लगे तो देखा कि मौसम तो बिल्कुल साफ है, इतना भी हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी हमने सोचा कि चलो यहाँ तो मौसम इस तरह का है, जब हम पहाड़ पर जाएंगे वहाँ पर थोड़ी सर्द हो सकती है। जी हम लोग बीच रास्ते में अभी रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ से 35 किलोमीटर अब बाकी है मंदार हिल, और देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। मंदार पर्वत पहुंचने में अभी तो थोड़ा टाइम है जी, अब तक सोचा आप लोगों से कुछ थोड़ा बात कर लेते हैं। जी आप में से बहुत लोग जो भी हमारा व्लॉग को रेगुलर देखते हैं तो आपको ध्यान होगा, हमने कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप पर जाने वाले हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप कैंसिल हो गया जी, और वह कैंसिल क्यों हुआ अभी आपको कारण बताते हैं। हुआ ये जी कि हम जाने वाले थे नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी, मेघालय और सिक्किम। तो मेघालय जाने के लिए गुवाहाटी से ही रास्ता है, तो हमने गुवाहाटी का टिकट करा लिया था और सोचा था कि गुवाहाटी पहुंचकर वहां जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आसपास वो सब घूम लेंगे हम लोग। लेकिन जी क्या कह सकते हैं जी, हमारा ट्रेन हो गया कैंसिल, और ट्रेन कैंसिल होने के साथ साथ गुवाहाटी का तो प्लान चौपट हुआ ही, साथ साथ मेघालय का प्लान भी चौपट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम सिक्किम जा सकते थे, लेकिन सोचा जब ये दोनों प्लान कैंसिल हो ही गया अब छोड़ो बाद में करेंगे इसे। तब तक जिया की कॉलेज का कुछ काम आ गया और हम आगे भागलपुर, और जब भागलपुर आए तो मालूम चला बगल में ही बांका में यह मंदार पर्वत है जो कि काफ़ी ही ऐतिहासिक है। वैसे हम एक बार यहाँ पर आए हुए जब 12th का एग्ज़ाम हम देने आए थे, अद्वैत मिशन स्कूल है वहाँ मेरा सेंटर पड़ा था, तो उस टाइम तो हम मंदिर नहीं घूम पाए थे, तो इस बार घूम रहे हैं जी। जी अभी हम बीच रास्ते में रुके हुए हैं और यहाँ से 35 किलोमीटर और सफ़र बाकी है, तो उम्मीद है कि अगले 1 घंटे तक शायद हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और क्या चलिए चलिए कोई एकदम सब्र नहीं है, कहिए जल्दी पहुंचना है वहाँ पर। अब वहाँ पर जाने के बाद उम्मीद है कि इसका हालत ज़रूर ख़राब होगा जब वहाँ पर चढ़ाई करना पड़ेगा। हम लोग शिमला गए थे, शिमला के जाखू मंदिर में, जिया की हालत ख़राब थी। जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से उन्होंने वह वीडियो देखा भी होगा, तो आज देखते हैं कितना फराटे से चढ़ती है। आज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वाह, 11 किलोमीटर और बचा है, 15 मिनट है ना। और क्या हालत है? बैठे बैठे हालत खराब, हालत खराब हो गया बैठे बैठे। इतना मेकअप किया सब उतर जाएगा यार, लग रहा है। करेगा क्यों, और अलग से मेकअप तो अच्छा फिर कर लेगी। पूरा इंतजाम करके चले हैं, हेलमेट का तो हाल ऐसा हुआ है कि पूछिए मत। पूरा गर्म पानी लेकर के चले हैं, चले नहीं है हम लेके चले, आप लोग आराम से पीजिए बैठिए। था चले चलो चले चलो। फिर जी इसी तरह मस्ती करते करते हम लोग पहुंच गए मंदार पर्वत। चलो 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 चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, पानी भी है, चढ़ जाओ चढ़ जाओ। जी हम पहुंच गए मंदार पर्वत के पास, सीन बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है। देखिए पीछे उधर पहाड़, बीच में थोड़ा सा पानी और इधर बीवी, क्या सही कॉम्बिनेशन है एकदम। अब यहाँ से हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं कि उस मंदिर तक कैसे जाया जाए। मंदिर आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि उधर के कैमरे से दिखाते हैं, इधर से नहीं दिख रहा होगा। नहीं जी मंदिर तो हमें भी नहीं दिख रहा है यहाँ से। ये जो चोटी है इसके पीछे वाले पहाड़ पर है मंदिर, तो हम लोग वहाँ चलेंगे। कुछ बाइक को जाते हुए देख रहे हैं उधर, तो लग रहा है वही रास्ता है। क्या है इधर? खजूर, कहाँ है खजूर? इसमें खजूर का
खजूर का पेड़ है, खजूर तोड़ो ना इसमें, खजूर है कुछ भाई, फूल को खजूर समझ रही है, बहुत बड़ी। Lightning strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mind. जी हम पहुंच गए हैं यहाँ मंदार पर्वत के पास, और यहाँ जो मार्केट जैसा इलाका है, यहीं पर थोड़ा सा बैठे हुए और आगे देख सकते हैं आप, दिखेगा नहीं, थोड़ा एक्सपोजर लग रहा है ज़्यादा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो बच्चे सब देख रहे हैं, ये सब सिक्का चुनते हैं अंदर घुसकर, जो भी सिक्का फेंकते हैं यहाँ पर चढ़ाने के लिए या किसी भी तरीके से, तो ये सभी वो सिक्का चुनते हैं, और सिक्का के लिए आपस में लड़ाई हो रही है इन लोग के। आगे का नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं, कुछ ऐसा नज़ारा है मंदिर का। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, तो हम लोग बोटिंग भी करेंगे। वहाँ पर जिया और रिया बैठकर आराम से चिप्स खा रहे हैं। ऊपर चढ़ना है कि नहीं, खाते हुए चलो ना, क्या दिक्कत है, बैग उठा लो, बोतल उठा लो, हेलमेट उठा लो, बस बाकी सब हम लोग उठा लेंगे, पावर बैंक हम खाली उठा लेते हैं। फिर जी चल दिए हम पहाड़ की तरफ, अभी तो दोनों बहनें काफी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, फिर आगे देखिए इनकी क्या हालत होती है। अभी कुछ कदम ही चले हैं और जिया यहाँ से शुरू हो गया है, मम्मी पापा सब याद आने लगे इसको, कह रहे हैं इसको बैग देने, तो बैग नहीं देंगे, अभी लग रहा है कि बहुत वेट है, छाता लेकर आना चाहिए था। हम तो टोपी पहने हुए है, छाता मेरा यही है, आपका है। वहाँ पर है मंदिर, और केबल कार से भी वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हमने पैदल का रास्ता चुना क्योंकि मुझे इतना भी ज़्यादा ऊंचाई लगा नहीं, जो कसौली में और शिमला में गए थे, कसौली में था मनकी टेंपल, शिमला में था जाखू टेंपल, उससे तो कम ही हाइट है, जब वहाँ चढ़ गए तो यहाँ तो चढ़ ही सकते हैं। तो जी यार यहाँ वहाँ तक पहुँच गई है, और मैं यहाँ ब्लॉग ही शूट कर रहा हूँ, तो जल्दी से मैं भी चलता हूँ उधर, उधर का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ मैं इस ऊँचाई से, ऐसा है नज़ारा कुछ। वहीं पर बोटिंग होती है, जहाँ पर आप पानी देख रहे हैं वहाँ पर बोटिंग होती है, तो वहाँ बोटिंग भी करेंगे, लेकिन पहले एक बार मंदिर दर्शन कर आए, उसके बाद बोटिंग करने भी आएंगे हम, तो कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का। अब जिया और रिया जो है लगता है मेरा इंतजार कर रहे हैं, बैठ गए हैं वहीं पर। क्या हुआ, चलो तुम लोग, थक गई, बस यहीं पर हम आ जाएंगे, तुम चलो ना। तो अब चलते हैं, वो लोग हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। यहाँ ये लोग अपना फोटो शूट कर रहे हैं, देख रहे हैं पोज, जबरदस्त पोज सब, धन्यवाद। यहाँ पर छोटी सी शॉप है जहाँ से आप पानी बोतल ले सकते हैं, और यहाँ शूट करने के लिए है स्टूडियो बना हुआ, आप वहाँ पर बैठ करके शूट कर सकते हैं। कितना रुपया चार्ज है भैया? 10 रुपया। जिया खिंचवाना है यहाँ से आते टाइम? ठीक है चलो, तब नज़ारा लग रहा है ज़बरदस्त रहेगा यहाँ से। जी आगे दिखाने के लिए बहुत कुछ है, तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले ब्लॉग का, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है, तो इसलिए पूरा वीडियो आज एडिट नहीं कर पाया, बाकी आपको वीडियो कल मिलेगा। तो आप लोग चैनल से बने रहिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके एक शेयर से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। और हाँ जी, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि हमारा जो आगे वाला वीडियो है आप मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।